अवधि में तमाम सारी रचनाएं लिखी गई। मलिक मोहम्मद जायसी हमारे यहाँ रायबरेली में हुए, तो वही भक्ति काल के दो भेद हुए, एक सगुण एक निर्गुण। निर्गुण भक्ति में ये था कि आत्मा और परमात्मा केवल दो चीजें हैं, परमात्मा आत्मा के विरह में तड़प, आत्मा जो है परमात्मा के विरह में तड़पती रहती, बस इतनी सी बात है। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा कि नागमती चितौर पथ हेरा, पिए जो गए पुण्य कीन न फेरा। और नारियों का जो सहज एक होता है कि दूसरों पर पति पर दोषारोपण का, उन्होंने कहा कि नागर का नारी बस परा सोई मोर पिए मोह सो हरा। बस इतनी सी बात को सुनिएगा नए तरीके। जी स्वागत स्वागत। इतने निर्मोही कैसे सज्जन हो गए। आनंद में सुनिए थोड़ा, संख्या कम है इसलिए हम सामने नहीं देख रहे हैं, इधर देखते हैं इधर देखते हैं, क्योंकि सामने देखने से हमारी बैटरी डाउन होती। कि इतने निर्मोही कैसे सज्जन हो गए, किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए। वाह। लौट कर के न फिर आए परदेश से, लौट कर के न फिर आए परदेश से, आदमी ना हुए काला धन हो गए। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया भैया, अच्छा प्रयोग है। आदमी ना हुए काला धन हो गए। और चिट्ठी में लिखती है कि चैन मिलता नहीं है न दिन रैन में, तुम हो उलझे कहाँ लेन में देन में, तुम हो उलझे कहाँ लेन में देन में, मेरे जीवन की वो खड़ी पड़ी पटरियां, मेरे जीवन की वो खड़ी हुई पटरियां, आग लग जाए तुम्हारी बुलेट। कोई याद नहीं। नहीं नहीं, आइए मैं एक कविता आपको सुना देता हूँ। मैं अवश्य आया हूँ तो राम की बात ना हो, कृष्ण की भूमि पर तो भगवान राम जो है, हम सारे संत सारे ऋषि सारे मुनि दुनिया का समस्त आध्यात्मिक शक्तियां सिर्फ एक चीज की खोज रही हैं कि मनुष्य क्यों पैदा हुआ है, यही है ना, हम क्यों आए। आत्मज्ञान प्राप्त करने की जो ललक है, सारे धर्म इतने सारे पैदा हो गए, सारा सब कुछ हो गया, सारी आध्यात्मिक शक्तियां केंद्रित हुई इसलिए कि हम कौन। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने हरिद्वार से कहा कि हम कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि मनुष्य एक भटका हुआ देवता है। हक्सले ने अनुवाद किया, आई एम द डिवाइन फ्लेम, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। मनुष्य भटका हुआ देवता है, उसके पीछे कथा भी है कि हमने गलती करी स्वर्ग में जिसके कारण हमें धरती पर फेंक दिया गया, मनुष्य बन के जाओ। प्रभु राम का चरित्र भी यही दर्शाता है। प्रभु राम जब पैदा हुए तो तमाम सारे पिछले श्राप जो थे उनके पीछे लगे हुए थे। प्रभु राम धरती पर आते हैं, सारी लीलाएं करने के बाद जब घोड़ा उन्होंने छोड़ा, लवकुश ने पकड़ लिया घोड़े को और कहते हैं अयोध्या के राजा, अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है तो इस घोड़े को ले जाओ। तब तक वाल्मीकि जी आए, माता सीता आई, मामला वही रफा दफा हुआ। लेकिन प्रभु राम उस दिन कहते हैं कि मेरा जीवन अभिशप्त था, कहीं पर नारद ऋषि का श्राप हमें ढोना था, श्रवण ऋषि के माता पिता का श्राप ढोना था, आदि आदि। ऐसे ही हम सारे बहुत सारे श्राप बहुत सारे वरदान लेकर के इस धरती पर आते हैं, यही हमारी आध्यात्मिक धुरी है। एक बार आप तालियां बजा दें, मैं ये गीत पढ़ देता हूँ, बहुत गंभीर है और कम लोग हैं इसलिए अच्छा सुने। प्रभु राम कहते हैं कि सीते युग युग का संकल्प अटल था, युग युग का संकल्प अटल था, मुझ में मेरा राम प्रबल था, पग पग पर जिसकी मर्यादा देकर थोड़ा ले गई ज्यादा, भोर नयन भर लाई आंसू, भोर नयन भर लाई आंसू, पीड़ा शाम सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित है।